हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो ये मैं रख रही हूँ कढ़ाई को गैस के ऊपर, आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ और गैस को कर लूँगी मैं ऑन। गैस को मैंने ऑन कर लिया, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों तेल डाल दिया हमने, सरसों का तेल डाल दिया है, ये गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे हम प्याज, प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और ये थोड़ी सी लहसुन है, इस लहसुन को मैंने कूट लिया है, इसमें डाल दिया लहसुन को। और दो हरी मिर्चें काटी हुई है मैंने, इसको भी मसाले के मिर्चों के साथ डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला देंगे। हल्का लाल होने देंगे इसको। तो प्याज अच्छे से भुन गया है, इसमें डाल देंगे हमें एक टमाटर डाल देंगे। ये हमने बड़ा टमाटर लिया है, इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ ही जो है हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे। कसूरी मेथी का खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसको थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे हम मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें देंगे, इसमें सबसे पहले हमने देगी मिर्च डाल दी है, इसके बाद थोड़ी सी तीखी मिर्ची डाली है और हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया इसमें, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है और इसमें एक चम्मच जो है हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चला लेंगे इसको। गैस की लो को थोड़ा कम रखेंगे और इसको भूनने देंगे मसालों को, टमाटर को। तो टमाटर जो है नमक के साथ अच्छे से गल जाएंगे इस तरीके से। हल्के हाथ से हम इसको दबा लेंगे, मसाले पका लेंगे। और ये इस तरीके से देखिए मसाले पक रहे हैं, टमाटर को हल्के हाथ से घोट लेंगे। और मसाला अच्छे से पक गया, इसने तेल छोड़ दिया है। और इसमें जो हमने सफ़ेद चने उबाले हुए थे इसको इसमें डाल देते हैं, हमने अभी उबाले इनको और इसको इसमें डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से इसको चला लिया है। अब इसमें जो हमने थोड़ा सा सफ़ेद चने जो है मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे थोड़ा तरी गाढ़ी हो जाती है और अच्छा लगता है खाने में भी, देखने में भी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे जितना हमें पानी चाहिए, और हम इसमें जो है 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे। ये हमने पानी डाल दिया इसमें और इसको चला लेते हैं। और इसको चलाने के बाद इसको ढक करके 5 मिनट के लिए इसको उबाल आने देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसको तैयार हो जाएगा ये, और इसको गैस को बंद कर देंगे। इसलिए अभी हम इस पर ढक्कन रख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने ढक्कन रख लिया इसके ऊपर, आप इसको पकने देते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ये हमने ढक्कन को साफ कर लिया है और ये देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से बन गया, बबल्स आ गए हैं। और ये तरी को थोड़ी देर और पकने देते हैं, इसको एक बार और ढक देंगे। दोस्तों ये देख लेते हैं एक बार इसको निकाल के ढक्कन को, तो ये तैयार हो गए हैं। अब इसको हम गैस को बंद कर लेंगे और थोड़ा सा तड़का और लगाएंगे इसमें, तो गैस को कम कर लेते हैं और कढ़ाई को हम दूसरी तरफ रख लेते हैं, इसमें थोड़ा तड़के का। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया, इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाएंगे हम जीरे का और साबुत धनिया और देगी मिर्च और हरी मिर्च का। तो अब हम इसको कम कर लेते हैं गैस को और तड़का लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम ये तड़का लगा रहे हैं, हमने ये तेल गरम कर लिया है और इसको अब डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमने डाल दिया है, इसको डालते ही हमें डाल देंगे इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा तड़का तैयार, देखिए कितना बढ़िया तड़का लगा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है ऊपर से तड़का लगाने में। तो अब हम इसको एक बॉल में डाल लेते हैं, अब हम डाल लेंगे इसको इस बॉल में डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और जब इसमें आप थोड़े से जो चने हैं, उबले हुए चने हैं, उनको मिक्सी के जार में डाल के आप पीस करके डालें या फिर किसी चीज़ से कूट करके भी डाल सकते हो, तो उसका स्वाद उस तक बहुत अच्छा आता है और तरी भी थोड़ी सी जो है इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से बनाया है मैंने, और ये जो ऊपर से तड़का लगाया है उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने, और इसको पलट लेते हैं सारे को,
ये हमने इसमें डाल दिया है, कढ़ाई को हम साइड में रख लेंगे। और दोस्तों ये हो गई हमारे सफ़ेद चने तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सफ़ेद चने चिट्टे चने जो हैं ये मैंने बनाए हैं चिट्टे छोले, और ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।